नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। जनपद गाजीपुर पुलिस के द्वारा इन दिनों अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने चेकिंग के दौरान नकब लगाकर चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य जो चोरी की योजना बना रहे थे उसे गिरफ्तार किया। इन लोगों की निशानदेही पर 2 माह पूर्व पीएससी के जवान के घर में की गई चोरी का भी खुलासा हुआ। पकड़े गए अजय, शहजादा, शौकत और सोहनवाज है। इन चारों ने पीएससी के जवान असलम के घर से करीब 75,000 रुपये नकद और जेवरात की चोरी किए थे, जो दुल्लापुर के आभूषण विक्रेता वंदना ज्वेलर्स के यहाँ 75,000 में बेचा था, उसकी भी बरामदगी किया गया। साथ ही पुलिस ने उस ज्वेलर्स की भी गिरफ्तारी किया। गिरफ्तार करके कोतवाली ने जो है प्रस्तुत किया है, उनमें 4 शातिर चोर हैं और एक जो है सुनार है, जो कि इनके द्वारा चोरी किए गए आभूषण वगैरह को गलाने और खपाने का काम करता था। कि बसपा तिराहे के पास में कुछ चोर कहीं चोरी करने का योजना बना रहे हैं, और यह भी पता चला कि इन्हीं लोगों ने गोरा बाजार से मोहम्मद असलम, जो पीएससी में हमारे सिपाही भी है, इसके घर से चोरी भी की थी। और 4 चोरों को जब गिरफ्तार किया तो उनसे पता चला कि चोरी के बहुत से उन्होंने चोरियां कर रखी हैं, जिनमें चोरी के कुछ माल जो है ये अजय बिंद नाम के अभियुक्त के घर में रखा हुआ है, और कुछ इन्होंने बेच दिया है अमरनाथ वर्मा, प्रसादू वर्मा नाम के सोनार को, जो वंदना ज्वेलर्स के नाम से दुल्लापुर में दुकान करता है।